वॉचमैन, वॉचमैन साहब, साहब बड़े साहब जाएगा। इतना भरोसा तुम्हें कातिल पर, भला क्यों? हाँ, उसके कत्ल करने का कोई मकसद नहीं था। मेरे भाई को कोई क्यों मारेगा? लेकिन कत्ल तो हुआ है और कोई ना कोई मकसद तो होगा उसके पीछे। क्यों आप नहीं चाहते कि कातिल पकड़ा जाए? मैंने ऐसा नहीं कहा। ओबराय साहब, दिनेश की किसी से दुश्मनी नहीं तो दोस्ती से ही, किसी से खास दोस्ती यारी? उसके सब दोस्त छूट गए थे जब से उसकी सगाई हुई थी। सगाई? हाँ, एक लड़की से प्यार था उसे, रश्मि नाम है उसका। हमसे छोटे तबके की है, मिडिल क्लास, लेकिन हम भेदभाव नहीं रखते। 15 दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी और मैं समझ सकता हूं। मिस्टर सैम डिसिल्वा, मुझे अपने बेटे का कातिल चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे मिस्टर ओबराय, आपको वादा करना होगा। वादा करते हैं। कातिल का नाम तो मैं अभी बता सकता हूं। सोचिए इस कत्ल का क्या मकसद रहा होगा? पैसा। अब दिनेश की मौत के बाद जायदाद का वारिस कौन बनेगा? तुम्हारा मतलब है कि राकेश, मिस्टर ओबेरॉय का छोटा लड़का। अब घर में और बचा भी कौन है? तब तो ये बड़ी अजीब दास्तान है गोपी। एक आदमी कत्ल को अपने साथ लिए घूम रहा और हमसे कहता है कि कत्ल की तहकीकात करो। बड़ी अजीब दास्तान है, ऑफकोर्स। तो कत्ल यही हो सकता है? कत्ल यही नहीं हो सकता गोपी, कत्ल ये भी हो सकता है। ऑफकोर्स, मैं भी वही कह रहा हूं। वही कह रहे हो हैं गोपी? यस, यू आर गोपी। बहुत ही दुख हुआ रश्मि जी, आपकी तो सगाई हो चुकी थी। थैंक यू। और शादी से ठीक पहले दिनेश का इस तरह खून हो जाना, इट्स रियली वेरी सैड, वेरी बैड। हमारी लड़की के नसीब में ससुराल का सुख शायद था ही नहीं। वो मंगलिक है ना, और लड़का मंगलिक नहीं था, शायद इसलिए ऐसा हादसा हुआ। नसीब। नसीब क्या होता है? जब होनी होगी हो जाएगी शादी। रश्मि जी, आपकी माँ बिल्कुल सही कहती हैं, आपको हौसला रखना चाहिए। हौसला तो रखना ही पड़ेगा। ये देखो तुम्हारे भाई बहन कितने उदास हो गए, सब प्यार करते, बहुत प्यार करते रश्मि से। रश्मि जी, दिनेश के भाई राकेश को आप कितनी अच्छी तरह से जानती थी? जी अच्छी तरह। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब कैसे संबंध थे उनके, किस तरह का भाई था? बिल्कुल लक्ष्मण जैसा। लक्ष्मण? लक्ष्मण तो राम लक्ष्मण। वो कई बार दिनेश के साथ यहां आया करता था, फिर तीनों साथ घूमने चले जाते थे। पर वो तो लक्ष्मण है लक्ष्मण। अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं थोड़ा सा रश्मि के साथ अकेले में बात कर सकता हूं? प्लीज प्लीज।
प्लीज रिलैक्स. हाँ, आई एम योर फ्रेंड, रिमेंबर दैट, योर फ्रेंड. है वाह, क्या तस्वीर है, ये किसने खींची? दिनेश ने. दिनेश ने मुझे दी थी मेरी बर्थडे पे. तुम दिनेश को कब से जानती हो? 6 महीने से. उससे पहले तुम्हारा किसी से मेल जोल था? गलत मत समझो मुझे, हो सकता है कि कोई लड़का तुम्हें इतना चाहता हो और उसे जब पता चला हो कि तुम्हारी दिनेश से शादी होने वाली है तो वो इतना जल गया हो कि उसने दिनेश का खून कर दिया हो. नहीं, कोई नहीं था जो उनसे जलता हो. सब दिनेश से प्यार करते थे. Everyone loved him. वो खुशी थी, वो प्यार था, हर वक्त एक मजाक, डांसेस, पार्टीज. मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें परेशान किया. न जाने किसने उसका खून कर दिया. अभागन है वो, तो होता है किसी किसी के साथ. कहते हैं मंगलिक है, इसलिए तो ये हादसे हो रहे हैं. शादी के 15 दिन पहले लड़के का खून हो गया. याद है पिछले साल भी शादी से 15 दिन पहले लड़के ने खुदकुशी कर ली थी. कौन कौन? अरे वही आता था ना गोरा गोरा सा, वही अशोक, अशोक चोपड़ा. लक्ष्मण, वो राकेश तो लक्ष्मण निकला. तुमने उन औरतों की बातें सुनी? मैं औरतों की बातें नहीं सुनता. रश्मि की शादी एक बार पहले भी होते होते रह गई. अच्छा, कैसे? जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली थी, हाँ, शादी से 15 दिन पहले उसने खुदकुशी कर ली. लेकिन आपको कैसे पता है सारी बातें? उन औरतों की बातों से. ओ, तो आज के बाद मैं भी औरतों की बातें सुना करूंगा. हाँ, सुखी रहोगे. लेकिन वो लड़का था कौन? अशोक चोपड़ा नाम था उसका. अशोक चोपड़ा? लेकिन रश्मि ने सारी बातें हमसे छुपाई क्यों? उसकी फैमिली ने भी तो छुपाई. हाँ, मुझे लगता है कि बदनामी के डर की वजह से ऐसा किया होगा. हो सकता है. हमें रश्मि से इस बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए. नहीं नहीं नहीं, अब ये मौका ठीक नहीं है. लेकिन अशोक चोपड़ा के बारे में तो पूछना ही पड़ेगा ना. पूछते हैं. किससे? इंस्पेक्टर भिंडे को ढूंढते हैं. हाँ, चलो. कौन? अरे कौन है? अरे कौन है भाई? अरे रात को कौन आ गया जगाने? अच्छा भला मूड बना के सोया था. अरे गोपी, तो अब अरे गोपी, मैं तेरा खून पी जाऊंगा. अरे सैम, तुम इंस्पेक्टर भिंडे? हाँ जी. अशोक चोपड़ा तुम्हें याद है? कौन अशोक चोपड़ा? तुम ही उस केस के इंचार्ज थे. कौन सा केस? सुसाइड का केस था. कौन सा सुसाइड? कुछ नहीं, खुदकुशी का केस था. अरे किसकी खुदकुशी? अशोक चोपड़ा की खुदकुशी. टाइम क्या हुआ है? सुबह होने वाली है. देखो सर, हाँ, मैं रात को देर से आया था, थका हुआ आया था. मुझे सोने दो. देखो, पुलिस वालों को सोने का कोई हक नहीं है. याद करो, अशोक चोपड़ा ने खुदकुशी की थी. तुम उस केस के इंचार्ज थे पिछले साल. उसने खुदकुशी कहां की थी? जागो यार, याद करो, खुदकुशी कहां की थी उसने? किसने? अशोक चोपड़ा ने. ग्रीन पार्क में. ग्रीन पार्क? हाँ, वो समुद्र के किनारे पे है, थोड़ा ऊंचाई पे है. कूद के खुदकुशी की थी. मुझे नींद आ रही है सच्ची में, मैं बोला भी नहीं जा रहा. मुझे सो रहा था. सुनो, कोई उसकी जेब से चिट्ठी मिली थी? नहीं, कोई चिट्ठी नहीं. कोई सुसाइड नोट? कुछ नहीं मिला. तुम्हें कैसे मालूम है कि उसने खुदकुशी की है? किसी पे कोई शक नहीं था. शक नहीं था इसलिए खुदकुशी हो गई. हाँ. क्या मालूम किसी ने उसको धक्का दे दिया हो. धक्का दिया जा सकता था कि नहीं? हाँ, दिया तो जा सकता. इसका मतलब है कि शायद खून हो गया हो. शायद खून हो गया हो. अरे भैया, तुम बोलते हो तो हो गया होगा यार, मुझे सोने दो. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट. गुड नाइट. अरे सुबह होने वाली है. सुबह ने छोटा सा झूठ बोला था. अभी रात के 12:30 बजे हैं. गुड नाइट. गुड नाइट. ए गोपी, मेरी नींद हराम करके तुम जाओगे कहाँ? अशोक चोपड़ा के बारे में पूछने आए थे, सुसाइड के बारे में पूछने आए थे. उसके लिए सैम माफी मांगता है यार. अरे अरे गोपी, वेरी सॉरी. तकलीफ फिर देंगे आपको जरूरत पड़ी तो. लेकिन रात को 12 बजे नहीं. नहीं, सुबह.
अरे गुड नाइट भिंडे, आराम से सोना। अरे काहे का सोना यार, सारी नींद हराम कर दी तूने। अशोक चोपड़ा ने खुदकुशी की होगी, मेरा मतलब है उसका कत्ल हुआ होगा। कैसे गोपी? नॉट टू वरी, लेकिन ऐसे हुआ होगा। साहब, क्या आप ये जानते थे कि आपके बेटे दिनेश की मंगेतर रश्मि की पहले भी कहीं शादी तय हुई थी? उसका किसी और से भी रिश्ता था? जी, पर दिनेश ने कभी बताया नहीं। अशोक चोपड़ा उसका नाम था, और शादी से 15 दिन पहले अशोक चोपड़ा ने खुदकुशी कर ली थी, ऐसा पुलिस के रिकॉर्ड में है। हालांकि मैं समझता हूं कि वो भी खून था। कौन? उधर शादी से 15 दिन पहले खुदकुशी और इधर शादी से 15 दिन पहले खून, अगर ये इत्तफाक है तो बड़ा अजीब सा इत्तफाक है। जिस दिन दिनेश का खून हुआ था उस दिन वो किसी से मिलने गया था। रश्मि से मिलने? एनी आइडिया कि रश्मि ने उसे कहां बुलाया था? रश्मि का कुछ मैसेज तो आया था, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ रहा कि वो उससे कहां मिलने गया था। किसी पार्क में? पार्क में, यस, पार्क में। रेड पार्क? ना। येलो पार्क? ग्रीन पार्क। लेकिन आपको कैसे मालूम? अशोक चोपड़ा का खून भी ग्रीन पार्क के आसपास ही हुआ था, क्योंकि उसकी लाश वहीं मिली थी। माय गॉड, इसका मतलब है रश्मि ने खून की। प्लीज डोंट जंप टू कंक्लूजंस मिस्टर ओबेरॉय, इस वक्त सिर्फ शक ही किया जा सकता है। नहीं, लेकिन रश्मि की शख्सियत बड़ी अजीब सी है। वो हंसते हंसते रो पड़ती है, रोते रोते हंस पड़ती है। मुझे लगता है उसे कोई दिमागी बीमारी है। वो लड़कों को अपने प्यार के जाल में फांसती है, और लड़का जब पूरी तरह से फंस जाता है तो उसे एक मुकाम तक ले जाती है, और मुकाम पर ले जाने के बाद मार देती है। माय गॉड, अजीब लड़की है यार। घर से निकलती है, घूमती है, फिरती है, फिर घर वापस चली जाती है।
मुझे बड़ा सदमा पहुंचा दिनेश का यूं है। शट अप। या आई विल कम इन। आपने मुझे बुलाया? बैठो। बहुत दुख हुआ मुझे दिनेश का यूं well, it's destiny. Well, it's destiny. रश्मि, जब मैं 19-20 साल का था ना तो मैंने जिम ज्वाइन किया था, काफी कसरत की थी मैंने, तब से ये कंधे काफी मजबूत हैं। तो अगर कभी सहारे की जरूरत हो तो ये कंधा हाजिर है। मैं याद रखूंगी। यू विल? आई विल। रियली? रियली। एक्सक्यूज मी सर। यस गीता, मैं बाद में आती हूँ। तुम कुछ उदास हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं जानता हूँ तुम उदास हो। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम्हारे मन में झांक कर कह सकता हूँ तुम उदास हो। चलो आज कॉफी पीते हैं। नहीं नहीं मिस्टर मेहता, नहीं, नो नॉट एट ऑल। यू विल चीयर अप। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। Then let me warn you, Mr. Mehta. जो मेरे करीब आता है अपनी जान गवा बैठता है। A plus B whole square equal to A square plus B square plus 2AB. तो आगे पढ़, मैं आता हूं। आप कहां जा रहे हैं? रश्मि अभी तक नहीं आई, रात होने आई। उसने कहा था ना, ऑफिस खत्म होने के बाद भी आजकल वो काम करती है। फिर मैं ऑफिस फोन करके आता हूं। ऑफिस में नहीं होगी तो और कहां होगी वो? अच्छी लग रही है तुम, सच। तुम अच्छी लग रही हो, खूबसूरत लग रही हो। आप झूठ बोल रहे हैं। यकीन नहीं आता। Hey, hey, widow, come here. कैसे लग रही हैं? Nathan, please. अच्छी लग रही हैं, देखा? नहीं नहीं, कैसे लग रही हैं? खूबसूरत लग रही हैं। अच्छी लग रही हैं, देखा? अच्छी लग रही हैं। Beautiful. Looking beautiful. भाग जाऊंगी मैं। पकड़ लूंगा तुम्हें। दूर, बहुत दूर। जिंदगी से दूर, अपने आप से दूर। Just beautiful. मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। इस आईने ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझसे? अपने आप से। मेरे करीब मत आना वरना वरना एक और खून हो जाएगा। खून हो जाएगा मेरा? जब तुम पहली बार दफ्तर आई थी तो अच्छी लगी थी मुझे। तब मेरी सगाई अशोक चोपड़ा से हो चुकी थी। हाँ, तभी मैं खामोश रहा। और जब उसने खुदकुशी की तो मैंने अपना कंधा ऑफर करना चाहा, मगर तुम्हारी दोस्ती दिनेश से हो गई और उसके बाद सगाई। अब तुम्हारी उंगली खाली रहनी चाहिए मेरी अंगूठी के लिए। आप मुझसे शादी करेंगे?
Azim, sit. Oh. Mr. Mehta. Yes? Sam De Silva, private detective. Gopi Chand, the junior detective. मुझे आपसे कुछ बात करनी है. किस बारे में? रश्मि के बारे में. ठीक है, आप मैंने कल घर पे आ जाइए. मिस्टर मेहता, प्लीज, बात यही हो सकती है. प्लीज. यही? हाँ. ऑलराइट. आइए. मिस्टर मेहता, अशोक चोपड़ा और दिनेश ओबरॉय, ये दो नाम हैं जिन्हें रश्मि से प्यार था, जिनकी रश्मि से शादी होने वाली थी और जो अब नहीं रहे. मैं जानता हूं. अब आपकी जान को खतरा है मिस्टर मेहता. मेरी जान को? जी. किसे? यूसी मिस्टर मेहता, हमें रश्मि पे शक है. हमें लगता है कि उसे कोई दिमागी बीमारी है. वो पहले लड़कों के साथ प्यार का नाटक करती है, उन्हें फंसाती है और फिर मार देती है. दिमागी बीमारी? करेक्ट. और कुछ? आई होप नॉट. मिस्टर मेहता, बेस्ट ऑफ लक. और ये तो डर ही नहीं. क्या बात है? कुछ भी तो नहीं. कुछ तो है. अशोक चोपड़ा ने खुदकुशी क्यों की? मुझे नहीं पता. कुछ तो वजह होगी. और फिर दिनेश का खून? तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं. मेरे ख्याल से हमें कुछ देने के लिए दूसरे से नहीं लेना चाहिए. ऐसे क्यों कह रही तुम? इस तरह तुम्हें मेरे और मेरी पिछली जिंदगी के बारे में सोचने का मौका भी मिल जाएगा. मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ रश्मि. चलो अंदर चलते हैं ग्रीन पार्क. नहीं यार, नहीं. क्यों? कुछ पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं ग्रीन पार्क के साथ. हाँ. अगर ऐसा है तो फिर हम कभी यहाँ नहीं आएंगे. नहीं, एक नए दिन तो आना पड़ेगा यहाँ तुम्हारे साथ. मिस्टर सैम डी सिल्वा, मैं पूछता हूं कि रश्मि को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर अब इंतजार किस बात का है? यू सी मिस्टर ओबेरॉय, हमें शक तो है रश्मि पर, लेकिन अब मेरे दिमाग में शक किसी और पे भी जाता है. रश्मि के बॉस मिस्टर मेहता पर. कत्ल का मकसद उसके पास भी था. रश्मि से बहुत प्यार करता है, बहुत पहले से. हो सकता है कि रश्मि के प्यार में दोनों कत्ल उसी ने किए हो. सैम, याद है ना जब हम मिस्टर मेहता से बात करने गए थे तो हमारी बात सुनने के बाद वो किस तरह से चल कर गया था? तो रश्मि की दिमागी बीमारी का क्या हुआ? अब उस पे तो शक है ही. अच्छा है ना? पहले रश्मि, फिर मेहता. ये केस तो लश्कर जा रहा है सैम साहब. शक मकसद शक. कल तो आप मेरे बेटे राकेश पे भी शक करने लगेंगे. ये कहेंगे कि जायदाद का अकेला वारिस बनने वाला, इसलिए मकसद इसका भी हो सकता. ऐसा ये कह चुके हैं. व्हाट? मैं तो ऐसे ही. आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे राकेश पे शक करने की? एक्सक्यूज मी मिस्टर ओबेरॉय, शक के दायरे के बाहर तो आप भी नहीं है. याद रहे, शक करना हमारे पेशे की बुनियाद है. लेकिन मैं अपने बेटे का कातिल. आपको कातिल 24 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगा. जी जी हाँ. कौन है? कौन है? कौन है कातिल? हैव पेशेंस राकेश, 24 घंटे प्लीज. मुझे इंतजार रहेगा. आई एम श्योर. जी
तरीके को खड़े हो। मंदिर के बाहर चोरी हो जाते हैं। ओह, थैंक यू वेरी मच। पर सैम, हम लोग मंदिर किस लिए आए? तहकीकत करने। भगवान से? अरे उन्हीं से तो पूछना चाहिए, सब देखते हैं, सब जानते हैं। हाँ ये बात तो सही है। कुछ पता चला? इशारा तो किया उन्होंने, अब देखें। No. You got a very beautiful dress. I'm sure this is imported. Imported, है ना? जी हाँ. You know, you're a very pretty girl. Prettier than Rashmi. Thank you. ये कैसे हुआ? क्या आपके रहते हुए ये रश्मि अपने बॉस को फंसा के ले गई? I don't care. I'm sure you don't care. और ये रश्मि, ये कैसी लड़की है? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? सच सच बताऊं? ऐसा है कि वो दिनेश था ना, रश्मि का मंगेतर, हम उसके मर्डर की तहकीकात कर रहे हैं। ओ, आज रश्मि दफ्तर नहीं आई? नहीं आई। और क्या फर्क पड़ता बॉस को? हाँ? नहीं आई तो नहीं आई। अभी वो उन्हीं से मिलने गए हैं। और आपको कैसे मालूम? रश्मि की चिट्ठी आई थी, लव लेटर, और आपने पढ़ ली? जी नहीं। पढ़ ली, पढ़ ली। ओके, बॉस ने भूल से टेबल पर रख दी और मैंने पढ़ लिया। अच्छा अच्छा, क्या लिखा है? ग्रीन पार्क बुलाया है। ग्रीन पार्क? शादी की बात करने को? गोपी, ग्रीन पार्क। क्या हुआ? रश्मि, ये क्या कर रही हो? रश्मि, खत्म हो चुका है। आखिर क्या वजह थी कि आपने ये कत्ल किया? मैं आपसे पूछ रहा हूं कुलकर्णी साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं। कुलकर्णी साहब,
साहब ये वो देश है जहां पर बाप अपनी बेटी की डोली उठवाता है, और आपने आपने अपने ही दामाद का कत्ल कर दिया। किस तरह के बाप है आप? जवाब दीजिए, क्यों किया आपने ऐसा, बताइए। बस गोपी, इन्हें समझने की कोशिश करो। तुमने इस देश की बात तो की लेकिन पूरी नहीं की। ये वो देश भी तो है जहां गुर्बत है, बेकारी है, मजबूरियां हैं, बड़े बड़े परिवार हैं। परिवारों में प्रेम तो है लेकिन कमाऊ सदस्य सिर्फ एक है, और भविष्य के डर हैं, डर, भविष्य के डर हैं। हाँ, डर है, बहुत डर है। मेरे छोटे छोटे तीन बच्चे, मेरी बूढ़ी पत्नी और मेरी अपनी बेकार, घर में एक ही कम हो बेटी मेरी। अगर वो चली जाती तो मेरे बच्चे भूखे मर जाते, मेरी पत्नी भूखे मर जाती और मैं भूखा मर जाता। इसलिए कोई इसे छीन नहीं लिया था, वो मुझे राक्षस लगता था। हाँ, राक्षस लगता था, इसके मैं उसे मारता था। हाँ, मैं उसे मार डालता था, मैं उसे मार डालता। तो अशोक चोपड़ा का खून आप ही ने किया? जी हाँ, मैंने उसे बुलाया ग्रीन पर। फिर आया वो दिनेश ओबेरॉय हमारी जिंदगी खराब करने के लिए। मैंने रश्मि को बहुत समझाया लेकिन वो समझी नहीं। परिवार मेरा नहीं, उनका भी तो था। ये दिनेश ओबेरॉय मुझे दूसरा राक्षस लगने लगा। मैंने रश्मि के नाम से उसे खत लिखा और उसे भी ग्रीन पार बुलाया। मैंने उस पर चाकू के कई वार किए लेकिन क्या करूं, उसकी किस्मत, वो मेरे चंगुल से फिर भी बच निकला। मैं पकड़े जाने के डर से घबरा गया। उसने मेरा चेहरा देख लिया था, वो मुझे बेनकाब कर सकता था। लेकिन किसी को कुछ कहने से पहले ही वो मर गया और मैं बच गया। ये तीसरा राक्षस मेहता, उसको भी मैं मार डालता लेकिन मैं बीच में आ गया। ओ हेलो मिस्टर, पातिल पकड़ा गया? जी। कहाँ है वह? अंदर है। मैं उसे फांसी पर चढ़ा दूंगा। सजा तो उसे मिलेगी मिस्टर ओबेरॉय, लेकिन हो सके तो उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। सैम, तुम्हें कैसे पता लगा कि कुलकर्णी साहब ही कातिल है? कुलकर्णी ने कहा था कि रश्मि मंगलिक है। हाँ। और मोहल्ले में यह अफवाह फैला रखी थी, तो मुझे ख्याल आया क्यों ना इस बात की तहकीकात कर ली जाए। इसीलिए तुम मंदिर गए थे और पुजारी से पूछताछ की थी, और पुजारी ने कहा कि रश्मि मंगलिक नहीं है। तो क्यों कुलकर्णी ने झूठ बोला, क्यों अफवाह फैलाई? मुझे शक हुआ। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि कुलकर्णी ने अगर अचानक चिट्ठी मैंने तुम्हारे जरिए कुलकर्णी को भेजी थी, याद है?
मैंने लिखा था कि मेहता रश्मि के साथ 24 घंटे के अंदर अंदर शादी करने वाला है। और भेजने वाले का नाम? एक अनजान गुमनाम शुभचिंतक। कुलकर्णी झांसे में आ गया और उसने झट से अपनी चाल चली और मेहता को बाकियों की तरह ग्रीन पार्क में बुलाया। वो ठीक है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जिस दिन हम रश्मि के दफ्तर के बाहर गए थे, हाँ। उस मोटी लड़की ने हमें एक चिट्ठी दिखाई थी, हाँ। उस चिट्ठी में उसने कहा था कि ये रश्मि की है, हाँ। लेकिन वो हैंडराइटिंग रश्मि की नहीं थी। तो किसकी थी? कुलकर्णी की। देखो देखो, तुम्हें कैसे पता कि वो कुलकर्णी की थी? जिस दिन हम कुलकर्णी के घर गए थे, वो अपने बेटे को पढ़ा रहे थे ब्लैक बोर्ड पर लिखकर। वो हैंडराइटिंग और ये हैंडराइटिंग एक ही थी। हाँ। तो कातिल अपनी लिखावट से पकड़ा गया। सैम? यस गोपी। योर सैम? ओह गोपी, आई एम ऑब्लाइज्ड।